नाजरीन, आज एक बार फिर ईद के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बादामी कोरमा, जो कि ना सिर्फ जायके में बहुत मज़े का बनता है बल्कि बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 5 बड़े साइज़ की प्याज ली थी जो कि मैंने बारीक कट कर ली है। 1 कप दही लिया है। 30 इसके अंदर मैंने बादाम लिए थे जो कि मैंने पानी में भिगो कर उनका छिलका निकाल दिया था। 1 किलो इसके अंदर मैंने गाय का गोश्त लिया है हड्डी के साथ। आप देख सकते हैं ये हड्डी वाला गोश्त है, ये 1 kg है। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राइंग के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है। 1 tablespoon इसके अंदर मैंने खशखाश ली है। इसको मैंने पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दिया था क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, और भिगोने के बाद मैंने इसको बारीक छलनी के अंदर अच्छे से छान लिया। इसके अलावा 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 tablespoon केवड़ा एसेंस है। स्पाइसेस देख लेते हैं। 2 tablespoon धनिया पाउडर है पिसा हुआ। 1/2 teaspoon कश्मीरी मिर्च है जिसको हम देगी मिर्च भी कहते हैं। 1 teaspoon लाल पिसी हुई मिर्चें हैं। 1 teaspoon इसके अंदर गरम मसाला पाउडर है। 1 teaspoon नमक है। अब हम साबित मसाले देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने 1 teaspoon जीरा लिया है साबित, 1 जावित्री का फूल लिया है और 6 छोटी इलायचियाँ ली हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के मोटा मोटा कूट लूँगी। अब वो मसाले देख लेते हैं जो साबित डालेंगे। 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, 6 छोटी इलायचियाँ हैं और 6 लौंगे हैं इसके अंदर। तो चले नाजरीन हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर का मैंने एक जग ले लिया है। खशखाश जो मैंने पानी में भिगो के रखी थी सबसे पहले मैं इस जग में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैंने ये डाल दी। अच्छा, अभी जो बादाम रखे हैं इसमें थोड़े से मैं रोक लूँगी, 10 से 12 बादाम मैं रोक लूँगी, बाकी मैं पीस लूँगी इसमें डाल के। इसे थोड़े से मैंने रोक लिए लास्ट के लिए। अभी मैं इसी पानी में इसको अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। बादाम और खशखाश डाल के मैंने जो पीसा था वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने इस तरीके से इसको पीस लिया है, ये देखिए ये इस तरीके से मोटा मोटा पीसा है। बहुत बारीक नहीं पीसेगा क्योंकि खशखाश जो है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की तरह नहीं पीसती है। ये देखिए मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर मैं ज़ीरा जो मैंने आपको बताया था, ज़ीरा, जावित्री का फूल और 6 छोटी इलायचियाँ, इनको मोटा मोटा कूट लूँगी। अगर आपके पास हावन दस्ता है तो आप उस पर भी कूट सकते हैं मोटा मोटा। तो बस मैं इसमें डाल के थोड़ा सा, हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मोटा मोटा इस तरीके से मैंने इसको कूट लिया है। बस इसी तरीके से हमें इसको कूटना था। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल मैंने जैसे आपको बताया था थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि फ्राइंग करनी है हमें प्याज की। तो ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो प्याज हमने बारीक कट करके रखी थी वो डालेंगे। प्याज का ये ख्याल रखना है कि प्याज हमारी बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने फ्राई होने के बाद। ऐसे प्याज डाल देंगे इसके अंदर हम। प्याज डाल दी हमने, बस इसको हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। प्याज ब्राउन करने का तरीका ये होता है कि फ्लेम जो है हमें थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, तो तभी हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी होती है। इसको फ्राई करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारी फ्राई होने लगी है। ये देखिए प्याज अच्छे से तेल में डिप हो गई है। ये देखें इस तरीके से अब ये फ्राई हो रही है। अब हम इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इसका फ्लेम जो है हमें हाई रखना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। शुरू में तो बहुत स्लो फ्राई होती है, फिर एंड में ये एकदम तेज़ हो जाती है। तो उसका ख्याल रखना है हमें कि हम इसको देखते रहें, साथ साथ चमचा चलाते रहें। बस ये ब्राउन होने वाली है गोल्डन ब्राउन। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर और चेंज होगा मैं इसको निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया इसका प्याज का। बस मैं इसको निकाल लूँगी एक जाली वाले चम्मच से ताकि तेल साथ में ना आए। एक खुले बर्तन में हम इसको निकालेंगे। बस ये हो गई है, फ्लेम में इसको ऑफ कर दूँगी और उसको निकाल लूँगी ऐसे निचोड़ के। बस ऐसे करके हमें निचोड़ के निकालना है ताकि तेल साथ में ना आए। इस तरीके से मैं प्लेट में निकाल लूँगी सारी प्याज को।
प्याज मैंने निकाल ली है, ऑयल भी थोड़ा सा कम कर लिया है क्योंकि प्याज के लिए हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया था, क्योंकि प्याज जो है वो ज़्यादा ऑयल में फ्राई होती है, तो ऑयल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। अब हम इसके अंदर साबित गर्म मसाले डालेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल के बस मैं एक मिनट के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। गरम मसाले हमारे साबित वाले अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे सारा। गोश्त डाल के हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे, तब तक इसका कलर चेंज जाएंगे। गोश्त डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है गोश्त का, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है भूनने की। मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भूना है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनूंगी। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की। अब इसके अंदर जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे सारे पिसे हुए स्पाइसेस, ये वाले सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पाइसेस डाल दिए सारे एक साथ हमने, थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को। बस 1 मिनट इसको और भूनेंगे। मसाले डालने के बाद मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं, देखें कि तेल अलग हो गया है इसमें से, मसाला अच्छे से भून गया है हमारा। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको खूब अच्छे से भूनेंगे हम। फ्लेम मेरा मीडियम है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से भुन रहा है। दही मैंने इसके अंदर डाला था, दही ने पानी छोड़ा है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे दही डालने के बाद इसको पकाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर। बस अब ये अच्छे से भुन गया है दही डालने के बाद भी। अब इसके अंदर मैं जो मैंने बादाम और खशखश को पीस के रखा था वो डाल दूँगी, उसे डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम इस तरीके से। बस 1 से 2 मिनट में इसको और पकाऊँगी। खशखश और बादाम डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया, आप देख सकते हैं एक दाना सा बनना शुरू हो गया है, ये देखिए ये दाना सा बन रहा है। बस अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। बस इसमें मैं पानी डाल दूँगी, तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर पानी डाल दूँगी। ये देखिए 2 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है, मैं थोड़ा सा फ्लेम को कम कर दूंगी और इसको ढाँप के तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता, और दरमियान में मैं इसको चेक भी करती हूँ। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था, आप देख सकते हैं मैंने इसको एक खुली प्लेट के अंदर निकाल लिया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह ये क्रिस्पी बनी है। अब मैं इसको एक चॉपर में डाल के मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो हावन दस्ते में भी इसको चॉप कर सकते हैं या हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉपर में डाल के मोटा मोटा कूट लूँगी। मैंने चॉपर मशीन ले ली है, मैं थोड़ी सी प्याज इसके अंदर डालूंगी, बस मुझे मोटा मोटा कूटना है, इसको क्रश करना है मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक नहीं करूंगी, बस 1 राउंड दूंगी इसको। बस इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। आप चाहें तो हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, हावन दस्ते में भी कर सकते हैं। 40 मिनट्स हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई पानी ऐड नहीं करा है, ये बिल्कुल उसी पानी में पक्का है। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, बस ये काफ़ी है। अब हम देख लेते हैं गोश्त, मैं आपको चेक करा देती हूँ कि गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया होगा यकीनन। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बोटी गल गई है, बस बहुत अच्छा गल गया है माशाल्लाह से 40 मिनट्स के अंदर। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने आपको दिखाए थे शुरू में जावित्री और छोटी इलायची और क्या कहते हैं ज़ीरा, उसको जो पीस के रखा था मोटा मोटा कूट के वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैंने प्याज जो क्रश करके रखी थी आपको दिखाई थी वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बस मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाऊँगी ताकि प्याज इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसके अंदर दाना बनने लगा, ये देखिए दानेदार हमें बनाना है बादामी कोरमा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। इसमें इसको ढाँप के तकरीबन
5 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये और पक जाए। प्याज डाल के मैंने इसको पका लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो गया है, कितना अच्छा इसका माशाल्लाह कलर है। ये देखिए आप कितना दानेदार बना है, एकदम परफेक्ट। बस अब इसके अंदर लास्ट में मैं केवड़ा एसेंस डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है केवड़ा एसेंस से। बस ये डाल दिया हमने इसके अंदर, और बादाम जो है वो डाल देंगे जो बचा के हमने रखे थे। इसके अंदर हमने बादाम डाल दिए। से हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि बादामों की इसकी खुशबू अंदर आ जाए। ढाँप दूंगी 1 से 2 मिनट और। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना दानेदार बना है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। बादामी कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बना है। मैंने इसको गार्निश कर दिया है, थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया था और जो मैंने बादाम बचाए थे थोड़े से वो ऊपर से डाल दिए। ये बहुत ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त का कलर आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ईद पर बनाइए या किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।